नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि क्रिएशन में। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बनाते हैं कुछ बेकार पड़ी हुई चीज़ों से एक बहुत ही यूनिक सी चीज़। तो उसके लिए मैंने ये कि पुराना बैनर लिया है जो मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, और इसके साथ मैंने ये एक साड़ी का पीस लिया है, जो पुरानी साड़ी थी उसका पीस मैंने लिया है। और इसको इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे और इसके चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इसको इसके बराबर का कट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें चारों तरफ सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है, अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो चलिए स्टिच करते हैं। ये मैंने इसको चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। अब इसके जो ये दोनों साइड हैं ऊपर और नीचे के, इनको हम डबल फोल्ड करके स्टिच करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर स्टिचिंग लगा देते हैं, दोनों साइड में स्टिचिंग लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इनको दोनों साइड से स्टिच कर दिया है। अब हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इनके साइड में फिर से स्टिच करेंगे। तो यहाँ इस साइड और इसके अपोजिट साइड दोनों तरफ हम स्टिच कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। अब इसके बाद ये हमने दोनों साइड से कट कर दिया। यहाँ पर इसको इस तरह से रखते हुए ये कॉर्नर निकाल लेंगे हम, और इसे इस तरह से सेट करेंगे। अब यहाँ देखिए किसी भी, जैसे कि मैंने इस स्केल की हेल्प से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी है कि इस तरह से, और इसी लाइन पे हमें स्टिचिंग कर देनी है। तो इस पर हम स्टिचिंग कर देंगे। इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसको हम मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारा 10 इंच पे आया है, यानी मैंने 10 इंच की स्टिचिंग की है। तो इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें दूसरे कॉर्नर पे भी स्टिचिंग कर देनी है। तो 10 इंच पर हम यहाँ पर स्टिचिंग कर देंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हम स्टिचिंग कर देंगे। दोनों साइड स्टिच करने के बाद ये देखिए इस तरह से एक ही ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अब हम इसको सीधा करेंगे तो जो हमारा फैब्रिक है वो ऊपर की साइड आ जाएगा, और ये जो बैनर था ये अंदर की तरफ चला जाएगा। इस बैनर की जगह आप चाहें तो रबोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस बैनर का यूज़ किया है जिससे कि इसकी थिकनेस बहुत अच्छी आई है। अब देखिए ये बहुत बड़ा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हुआ है।
इसको मैंने इस तरह से सीधा कर लिया। आप चाहें इसके अंदर एक इसी के साइज़ का कार्डबोर्ड अटैच कर सकते हैं, इसके अंदर रख सकते हैं। और मैं आपको इसमें बहुत सारे कपड़े सेट करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें मैंने बहुत सारे कपड़े सेट कर दिए, उसके बाद भी अभी काफ़ी सारा स्पेस है, अभी भी इसमें बहुत सारे कपड़े और आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहती हूँ अपने चैनल पर। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।